सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार वॉर्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वैसा ही कुछ अब द लास्ट जेडाई के साथ में भी हुआ है। जी हाँ, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं स्टार वॉर्स की सीरीज के, यानी ये डिज्नी की फिर से एक और हिट फिल्म है। अगर बात करें द फोर्स अवेकिन की, तो उस फिल्म ने 3 दिन में पूरे 247 मिलियन का बिजनेस किया था, जो एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इस अमाउंट को इंडिया में टैली करने जाए तो एक हिसाब से ये होता है 1500 करोड़ के आसपास। जी हाँ, ये काफी बड़ी रकम हो गई है। लेकिन अब द लास्ट जेडाई की बात करें तो इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में पूरे 290 मिलियन का बिजनेस कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात होती है। यानी ये भी फिल्म डिज्नी की हिट हो गई। वेल, डिज्नी ऐसा क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है जिससे कि उसकी हर एक फिल्म हिट होती जा रही है, वैसा ही हाल अब स्टार वॉर्स की सीरीज के साथ में भी हो रहा है। और अगर बात करें स्टार वॉर्स के कलेक्शन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके यूएसए के कलेक्शन है। और अगर दूसरी कंट्रीज के कलेक्शन मिलाए जाए तो इस फिल्म ने अब तक पूरे 296 मिलियन के आंकड़े को भी छू लिया है, जिससे कि आप ये अंदाज लगा सकते हो कि स्टार वॉर्स की सीरीज कितनी ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। और अगर इस अमाउंट को कन्वर्ट किया जाए इंडियन मनी में, तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा तो ये कितने करोड़ होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है कि डिज्नी कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी मूवीज को पूरी बेस्ट बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि डिज्नी के पास ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिससे वो अपनी मूवीज को इतनी बेस्ट बनाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।